देखिए क्या एक मानव प्रजाति को दिखाया गया है, और वो देखो वो जैसे कि वो ये देख रहे हैं आप, ये नीचे कोई जैसे कोई स्त्री है, और उन्होंने ये पानी के लिए कुछ बर्तन रखा हुआ है और ऊपर से पानी को ओढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है। और ये पत्थर है, विशाल का ये पत्थर है। ये पत्थर को इन्होंने इसके अंदर ही नल को फिट करके और ये व्यवस्था बना ली है पानी की। वाह, और बहुत ठंडा है। ये पीने लायक तो नहीं है, पीने वाला पानी नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। तो थोड़ा सा दिखाता हूँ। और ये आवाज़ देख ना पानी की, गुद 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 चुर 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 आवाज़ आ रही है। वाह, बहुत प्यारा है। चलो मित्रों आगे चलते हैं। दोस्तों देखो ये कटीला कैक्टस है। ये बहुत ही कटीला है, बहुत ही कटीला है। इसको टच करने में डर लग रहा है। यहाँ पे ये कैक्टस के तरह तरह की वैरायटी है, ये आप देख रहे हैं। ये कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल है। ये कैक्टस की प्रजाति हैं, ये आप देख रहे हैं। ये बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पे। वाह, यहाँ पे तरह तरह के ये कुछ गमलों में पौधे सजा रखे हैं, और इन प्रत्येक का नाम है। जैसे ओचना हरमंदी है, ये एप्रिकॉट ट्री है, इस टाइप का दर्शाया गया है। तो इन फ्यूचर में अगर कोई यहाँ पर आना चाहता है और वो वनस्पति विज्ञान के छात्र हैं और उनको प्रकृति में और पर्यावरण में रुचि है, तो यहाँ के इन पौधों का नाम देख के और इसके रुचि से रुचि रखिए, और उनके भविष्य की जो जो उनकी शोध का भी शोध है, या उनका जो पढ़ने का जो इच्छा है, उसमें उनको काफ़ी रुचि आएगी। काफ़ी रुचि का विषय है ये, क्योंकि पेड़ पौधों से ही तो ये दुनिया, इस जीवन चल रहा है। जल थल, और इसमें जल और थल के साथ जो जो कॉम्बिनेशन है पेड़ पौधों का, इस पर आप जरूर उनको विद्यार्थियों को यहाँ पर आना चाहिए, और ये उनके लिए बहुत बड़ा शोध का विषय रहेगा। काफ़ी सीखने को मिलेगा। ये देखना, ये छोटा सा पेड़ है लेकिन ये कैसे झुक गया है। ये भी सब प्रकृति की छटा इसमें दिखाई देती है। ये आप देख रहे हैं, मित्र, बहुत बड़ा गार्डन है। इसको ये तो आगे चलते हैं। अब आगे क्या मिलता है,